2017 में भी भाजपा की जीत की वजह रमाकांत यादव को ही माना जाता रहा कि रमाकांत यादव का जो व्यक्तिगत वोट है, जो उनकी निजी पकड़ है अपने इलाके में, उसकी वजह से उनके बेटे भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते, अन्यथा भाजपा वहां चुनाव नहीं जीतती। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझानों में आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से सपा के उम्मीदवार रमाकांत यादव आगे चल रहे हैं। रमाकांत यादव आजमगढ़ के कद्दावर नेता हैं, सबसे प्रभावशाली नेता हैं, पूर्वांचल की राजनीति में दखल रखते हैं, चार बार विधायक रहे, चार बार सांसद रहे, अलग अलग पार्टियों के टिकट पर जीतते रहे, सपा से भी जीते, बसपा से भी जीते, भाजपा से भी जीते और इंडिपेंडेंट भी जब चुनाव लड़े तो बहुत अच्छा वोट उन्हें मिला, बहुत प्रभाव रखते हैं अपने क्षेत्र में, खास करके पिछड़ी जातियों में, पिछड़े वर्ग में अच्छी पकड़ रखते हैं और एक मजबूत नेता हैं अपने इलाके के। 2017 के चुनाव में उनके बेटे अरुण यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और भाजपा का खाता आजमगढ़ में खुला था, भाजपा को एक सीट मिली थी, लेकिन इस बार के चुनाव में चूँकि उनके पिता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके थे और सपा से उनको टिकट मिला फूलपुर पवई सीट से ही, जहाँ से अरुण यादव जीते थे, उसी सीट से रमाकांत यादव चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। भारतीय जनता पार्टी ने अरुण यादव को टिकट नहीं दिया, उन्होंने टिकट बदल दिया है। 2017 में भी भाजपा की जीत की वजह रमाकांत यादव को ही माना जाता रहा कि रमाकांत यादव का जो व्यक्तिगत वोट है, जो उनकी निजी पकड़ है अपने इलाके में, उसकी वजह से उनके बेटे भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते, अन्यथा भाजपा वहां चुनाव नहीं जीतती। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि भाजपा, पिछली बार आजमगढ़ में भाजपा की जो एक सीट मिली थी वह सीट भी भाजपा इस बार नहीं जीत पाएगी और शुरुआती रुझानों में रमाकांत यादव आगे चल रहे हैं और यह तय है कि फूलपुर पवई सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर रमाकांत यादव एक बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतेंगे और विधायक बनेंगे।